प्रसपा प्रमुख शिवपाल यादव शुक्रवार को जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात करीब सवा घंटे तक चली। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सियासी गलियारों में कई तरह की चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में आजम खान के समर्थकों द्वारा सपा से मुखर होने के बाद इस मुलाकात के पीछे भी कई मायने निकाले जा रहे हैं। करीब दो साल से सपा नेता आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। उनके साथ उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम भी बंद थे। फिलहाल दोनों जमानत पर रिहा हो चुके हैं। दो दिन पूर्व आजम खान के घर पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम से रालोद के जैन चौधरी ने मुलाकात की थी। अब शुक्रवार को प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने जेल में बंद आजम खान से मुलाकात की है। इस दौरान शिवपाल सिंह यादव ने इशारों में आजम खान के मुद्दे पर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को खरी खोटी सुनाई। शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि इतने सीनियर नेता होने के बावजूद भी आजम भाई की मदद नहीं हो पा रही है, सपा भी कोई संघर्ष करते हुए नहीं दिख रही है, इतने छोटे छोटे झूठे मुकदमों पर भी आंदोलन नहीं किया गया, लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सब जगह मुद्दा उठाया जाना चाहिए था। इससे पहले भाजपा में शामिल होने की अटकलों के बीच शिवपाल यादव और अखिलेश यादव अब दोनों खुलकर एक दूसरे के खिलाफ बयान दे रहे हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि अगर उन्हें मुझसे दिक्कत है तो वो मुझे पार्टी से निकाल दे। मैं सपा के 111 विधायकों में से एक विधायक हूँ और वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने कल कहा था कि वह किसी भी दिन आजम खान से मुलाकात कर सकते हैं और आज वह मिलने के लिए पहुंच गए। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से मुलाकात पर शिवपाल ने कहा कि मेरी उनसे कोई मुलाकात नहीं हुई। हो सकता है कि वो मेरे ही नाम के किसी व्यक्ति से मुलाकात कर रहे हों। भाजपा में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि इसका खुलासा समय आने पर किया जाएगा।